मैं यश, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फोन के साथ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है हर एक Redmi 9 या फिर Redmi 9A या फिर Redmi 9i, Redmi 9C इन डिवाइसेस के लिए, क्योंकि इन डिवाइसेस के लिए MIUI 12.5 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बात है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आई होप आपको पूरा क्लियर अच्छे से दिख रहा होगा। तो देख सकते हैं ये Redmi 9A डिवाइस है, सभी को पता है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। और इस डिवाइस के लिए दो अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं, एक है चाइना का और एक है ग्लोबल का। तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया जिसमें देख सकते हैं Redmi 9A ग्लोबल स्टेबल में हमको MIUI 12.5.2.0 का RCDMI XM अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि है MIUI 12.5.2.0 का एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड, जो कि ग्लोबल में रिलीज़ हो चुका है। और ये देख सकते हैं ओटा अप्लाई कर सकते हैं आप इसको, रिकवरी रूम भी। इसके लिए आपको ओटा अप्लाई करने के लिए आपको 12.5.1.0 पर होना चाहिए, जो कि ग्लोबल का है। तो सिंपली आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए ओटा अप्लाई कर सकते हो, बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपडेट है वो है चाइना का अपडेट, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये अपडेट, न्यू अपडेट अवेलेबल विया ओटा Redmi 9A चाइना डांडेलियन स्टेबल बीटा रिकवरी का और 12.5.5.0 का RCD वही एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड अपडेट, जो कि 1.9 GB का। तो अब मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे फ़ोन में कौन सा अपडेट इंस्टॉल्ड है। तो मेरे फ़ोन में चाइना की रोम इंस्टॉल्ड है, जिसमें देख सकते हमको 12.5.0.14.0 देखने को मिलता है। और हम अपडेट की चेक करें, अपडेट अभी इंटरनेट तो नहीं है, तो चेक फॉर अपडेट करेंगे तो कोई मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो सिंपली देख सकते हमको इन दो Redmi 9A के लिए दो अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया में कब आएगा पता नहीं, इंडिया में क्यों नहीं आ रहा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो ग्लोबल का जो अपडेट है MIUI 12.5.1.0 का, उसमें बहुत सारे बग देखने को मिले ग्लोबल में। तो इंडिया में रिलीज़ करने का कोई चांस नहीं बनता था, इसलिए उन्होंने ज़रा टेस्टिंग वगैरह की है और अभी इस बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद निकालने वाले हैं, मतलब ये रिलीज़ कर देंगे इंडिया में लगभग शायद से फरवरी के मंथ में अपडेट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और आ भी जाएगा, ठीक है। तो देख सकते ये था अपडेट Redmi 9A के लिए MIUI 12.5 चाइना और ग्लोबल का। इंडिया भी अब तक कोई न्यूज़ मेरे पास आई नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको Redmi 9 कैट आइल के लिए भी एक न्यू अपडेट देखने को मिला, जो कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे, मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ। देख सकते आपको Redmi 9 कैटाइल के लिए न्यू अपडेट भी मिलता है, देख सकते जिसके बाद भी ये डिवाइस है ब्लैक कलर का, नहीं कोई भी कलर का, जिसमें आपको तीन कैमरा और ये फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। इसमें न्यू अपडेट रोल होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 12.0.15.0 का एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड, और इसमें हमको कुछ ज़्यादा फीचर नहीं है। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप शौर्य महाजन के चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमको ये अपडेट 12.0.15.0 का अपडेट देखने को मिलता है। और Redmi Note 9 के लिए भी MIUI 12.5 का अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अभी बता दूँ इंडिया में कब आएगा, इंडिया में लगभग फरवरी के मंथ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, आना तो चाहिए, नहीं आते तो देखा जाएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। अब मेरे फ़ोन में कौन सा अपडेट इंस्टॉल है मैं आपको बता दो। सेटिंग में जाएंगे MIUI 12.5.14.0 का 0.14 का स्टेबल अपडेट इंस्टॉल है, और इसमें एक न्यू अपडेट आया था 0.14 MIUI 12.5.4.0 का, और अभी जो रिलीज किया गया वो है 5.0 का। तो जैसे ही मेरी डिवाइस में अपडेट देखने को मिलेगा मैं आपको चाइना के रूम का रिव्यू दूंगा। अगर आपको ग्लोबल के रूम का रिव्यू चाहिए तो उसके लिए आप बता सकते हैं, मैं उस रूम का भी रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा। तो देख सकते मैंने यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में रोम भी डाउनलोड कर रखी है, देख सकते ये है रोम योर डैंडेलियन ग्लोबल वर्जन 12.5.2.0, इसका रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और देख सकते ये मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स आए थे ग्लोबल रोम के, जिसमें देख सकते आपको MIUI 12.5.2 का एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड अपडेट देखने को मिलता है, जो कि एनहांस्ड का अपडेट है, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। देख सकते एंड्रॉइड वर्जन 11 आपको इसमें देखने को मिलता है। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट कुछ आए थे जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिए। तो यही थी आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आपको दोनों के अपडेट की रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कौन सा अपडेट की रिव्यू चाहिए, 12.5.2.0 या 12.5.5.0 चाइना का। तो दोनों में आपको MIUI 13 के फीचर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जनवरी का दूसरा अपडेट हमको ग्लोबल और चाइना में देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हालांकि इसको हर महीने एक अपडेट देखने को मिलता है, लेकिन इस महीने हमको दो अपडेट देखने को मिले हैं। इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबल और चाइना की बात है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे इस वीडियो को लाइक का टारगेट है 20 लाइक्स, आई होप आप पूरा कर दोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। खत्म, टाटा बाय बाय।